पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। जहां बीजेपी ममता के गढ़ में सेंधमारी के लिए सियासी बिसात बिछा रही है, तो वहीं अब सीएम ममता बनर्जी ने भी ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे बीजेपी का परेशान होना तय है। वो बीजेपी को जबरदस्त पटखनी देने के लिए खुद नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। यानी पश्चिम बंगाल में इस बार आर या पार का मुकाबला होने जा रहा है। बंगाल में कदम जमाने के लिए बीजेपी ने टीएमसी के नेताओं को अपने पाले में क्या किया, खुद ममता बनर्जी अपने किले को बचाने के लिए चुनावी मैदान में सामने आ गईं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये वो जगह है जहां ममता के धुर विरोधी बने और बीजेपी के हितैषी बने शुभेंदु अधिकारी वर्तमान में विधायक हैं। इस ऐलान के साथ ही उन्होंने कहा कि मैं नंदीग्राम से लड़ूंगी, नंदीग्राम मेरे लिए भाग्यशाली जगह है। ममता ने कहा कि वो दो विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव मैदान में उतरेंगी, जिसमें एक कोलकाता की भवानीपुर सीट है। इतना ही नहीं, ममता ने शुभेंदु अधिकारी को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि मुझे वो दिन याद है, इसलिए मुझे किसी से ज्ञान नहीं चाहिए। नंदीग्राम आंदोलन किसने शुरू किया था हम सब जानते हैं। ममता बनर्जी के इस ऐलान को बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नंदीग्राम ही वो जगह है जहां से ममता सत्ता के शिखर तक पहुंची हैं। ममता को बंगाल की सत्ता दिलाने में नंदीग्राम की अहम भूमिका रही है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में ही लेफ्ट सरकार के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ धरना दिया था, लेकिन नंदीग्राम के हीरो के रूप में शुभेंदु अधिकारी को प्रोजेक्ट किया जाता है, जो कभी ममता के करीबी हुआ करते थे। मगर ममता एक बार फिर नंदीग्राम से चुनावी दंगल में उतर कर अपने गढ़ को बचाना चाहती हैं। अब देखना होगा कि वो इस मिशन में किस हद तक कामयाब हो पाती हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।